डिफरेंट डिफरेंट चलान है, एक है तुम्हारा यार सीएससी का और एक है तुम्हारा यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। तो आज के वीडियो के अंदर एक बहुत बढ़िया तुमको इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, वो ये है कि भैया अगर हम एडमिशन ले रहे हैं आईएम के अंदर या फिर आईएम सॉल्ट लेक के अंदर, तो इसका फॉर्म देखने में कैसा होता है, इसका चलान जो है जो मेरे हाथ में तुम लोग देख पा रहे हो ठीक है, ये किस तरीके का देखने में होता है। एंड अगर हम न्यू टाउन ले रहे हैं, पहला बात तो है कि वो यूईएम नहीं है, वो आईएम न्यू टाउन है, एंड वो चलान के अंदर भी यार मेंशन है, सारा चीज मैं बताने वाला हूँ डीप में। ये मेरे हाथ में यार दो स्टूडेंट का दो डिफरेंट डिफरेंट चलान है, एक है तुम्हारा यार सीएससी का और एक है तुम्हारा यार ईसी का, मैं दोनों के यार लेके बात करने वाला हूँ इन डिटेल्स ठीक है। तो वीडियो के अंदर बने रहना, उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमको देने वाला हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी लोग नेक्स्ट ये वीडियो देखने के बाद आईएम में आने वाले हो या फिर आ रहे हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा, थ्रू वेस्ट बंगाल ज्वाइंट या फिर थ्रू योर रैंक, मतलब जो रैंक तुमको मिल रहा है आईएम जे के अंदर, चाहे तुम कुछ भी वे में ले रहे हो एडमिशन, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुमको राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल देयर जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, ये चीज मेरे पास आ रहा है ठीक है। तो मैं इसलिए तुमको ऑथेंटिक चीज दिखाने वाला हूँ, ये आईएम कॉलेज का ऑफिशियल ब्रोशर ठीक है, जिसके अंदर तुम देख सकते हो आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन एंड आईएम जयपुर क्लियरली मेंशन किया गया है ठीक है। तुमको कहाँ आना है, आश्रम बिल्डिंग के अंदर आना है, जैसे तुम देख पा रहे हो जहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करते हैं या फिर स्टूडेंट्स के जो रिएक्शन जहाँ पर हम करते हैं ठीक है। अच्छा, बात यह है कि भैया आपने तो दो चलान हम लोग को दिखा दिए ठीक है, हाँ यार दिखा दिए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्ट लेक का है एंड कौन सा न्यू टाउन का है, क्या क्या चीज़ हमको चेक करनी है आफ्टर टेकिंग एडमिशन और बिफोर टेकिंग एडमिशन। पहला बात तो ये है कि ट्राई करो कॉलेज के ऑफिशियल से ही बात करना ठीक है, जो कि ऑथेंटिक करवा के। यार मैं तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ राइट नाउ, यू कैन सी द फॉर्म जो कि यार तुमको मिलने वाला है फॉर सॉल्ट लेक, के अंदर तुमको लिखा रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट सॉल्ट लेक, ये लिखा रहेगा ठीक है। अगर तुम न्यू टाउन देखोगे यार ऑन द सेम नोट तुम देख सकते हो कि ये एक न्यू टाउन का फॉर्म है, इधर तुम देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट न्यू टाउन ठीक है, ये दोनों मेंशन किया जाएगा चाहे तुम एडमिशन ले रहे हो सॉल्ट लेक में या फिर न्यू टाउन में। ये पहला चीज तो मैंने सबको मैं अच्छे से बोल दिया ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है भैया, सेकेंड पॉइंट ये है कि चाहे हम सॉल्ट लेक देख रहे हैं चाहे हम न्यू टाउन देख रहे हैं, यूईएम जो है बेटा ये यूनिवर्सिटी है ठीक है, इसके अंदर दो कॉलेज आता है, एक है सॉल्ट लेक, एक है न्यू टाउन और एक आता है वो है आईईएम जयपुर ठीक है। ये तीनों ही तुमको बेटा इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने वाला है ठीक है। अच्छा, अब बात ये करते हैं हम कि भैया चलान देखने में कैसा होता है। अभी एक चलान तुम लोग देख सकते हो, मैं अगर एक चलान का फोटो भी तुमको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्ट लेक का, तो इधर तुम देख सकते हो कि सॉल्ट लेक के चलान के अंदर बेटा सॉल्ट लेक लिखा है, इधर मेंशन किया गया है ठीक है। तुमको और एक चीज़ देखना है, वो देखना है कि यार कोर्स कौन सा, कोर्स स्ट्रीम देखना है कौन सा स्ट्रीम तुमको मिल रहा है, और 2024 ये लिखा रहेगा ठीक है, एंड इसके साथ ये एक स्टैम्प रहेगा एंड एक सिग्नेचर रहेगा जो कि एडमिशन ऑफिसर होगा उनका ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास में एक मान लो स्लिप है, जिसके अंदर ये ऑथेंटिक स्लिप है ऑफ आईएम सॉल्ट लेक, ऐसा स्लिप व्हाइट वाला स्लिप मतलब सॉल्ट लेक, एंड अगर येलो वाला स्लिप है दैट इज न्यू टाउन ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ फेक मत होना, फ्रॉड में मत फंसना, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरे को चाहिए था न्यू टाउन या भैया मेरे को चाहिए था सॉल्ट लेक, मेरे को न्यू टाउन मिल गया। देखो न्यू टाउन सॉल्ट लेक अलग कुछ नहीं है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, एंड अगर आश्रम बिल्डिंग में आ रहे हो फॉर एग्जांपल तो मिल लो मेरे साथ, फिर मेरे को आने से पहले एक बार कॉन्टैक्ट कर लो ठीक है। हाँ भैया आई वॉन्ट टू टेक डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, और भैया इवन क्या वेबजी का रैंक के थ्रू एडमिशन होता है, कितना मतलब ऑब्वियसली होता है भैया ठीक है, कितना रैंक में होगा, कौन सा कैंपस मिलने वाला है, सारा कुछ तुम एक बार पहले रैंक आने दो यार, उसके बाद बोलना। एंड मैं दोनों का तुमको स्लिप दिखा दिया कैसा क्या होता, तो यार आई होप सो कि ये डिफरेंसेस तुम एक बार चेक कर लेना यार आफ्टर टेकिंग एडमिशन और बिफोर टेकिंग एडमिशन ठीक है। और इस नंबर पर कॉल करना इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आईएम सॉल्ट लेक एंड आईएम न्यूटन एंड इवन आईएम जयपुर आल्सो ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट, कोई डाउट है यार पूछ लेना ठीक है, एंड फॉर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन डेफिनेटली यार कॉल करना मेरे को ठीक है इस नंबर पे। चलो ऑल द वेरी बेस्ट वेब जी के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग रैंक से आ रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो मिलते हैं।